हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने मशीन का कवर सिला है। अगर आपको भी सिलना है तो मैं बताती हूँ इसे मैंने किस तरीके से सिला है। हम कुछ इस तरीके से मशीन का नाप ले लेंगे ताकि दोनों तरफ से सही फिटिंग आ सके, और फिर हम लंबाई का नाप ले लेंगे। यहाँ लंबाई मेरी 11 इंच बैठ रही है। उसके बाद फिर फ्रंट साइड से हम इसकी चौड़ाई का नाप ले लेंगे। चौड़ाई लगभग मेरी 15 इंच है, और साइड के इसके जो पल्ले बनेंगे उनको हम इस तरीके से नापेंगे। मैं वायर की साइड से नाप रही हूँ। अब मैं नाप के अकॉर्डिंग कपड़े की कटिंग कर लूँगी। यहाँ मैं लगभग 11 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़े पल्ले काटूँगी। डबल पल्ले कटेंगे तो इसलिए कपड़े को डबल करके काट लूँगी। ये मैं बुकरम लाई हूँ। अब सेम नाप से मैं बुकरम भी काट लूँगी। अगर आपके पास फोम की शीट हो तो आप फोम भी लगा सकते हैं। और अब मैं प्रेस करके इस बुकरम को ऊपर चिपका लूँगी, इससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। बुकरम लगाने के बाद मैं अस्तर का कपड़ा भी सेम नाप से काट लूँगी। और अब इन मैंने तीनों को काट लिया है, और अब मैं इन्हें पिन से सिक्योर कर दूँगी ताकि सिलाई करते समय कपड़ा इधर उधर ना खिसके। दोनों पल्लों का अस्तर भी मैं काट लूँगी और उनको भी पिन लगा दूँगी। इस तरह से बीच में से मोड़कर मैंने दोनों पल्लों में निशान लगा दिया है ताकि हल्की सी गोलाई दी जा सके। अब दोनों पल्लों के सेंटर में निशान लगाऊंगी और इसी सेंटर से मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी। सेंटर में जो निशान लगाया है ये बिल्कुल बीच में ही आना चाहिए। एक साइड से लेके इस तरीके से सिलाई आएगी। पहले मैं ये वाली लेस लगा लूंगी। इस तरीके से हमारा कवर बन गया है। और अब मैं गोलाई की साइड में छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि जब हम इसे सीधा करें तो इसमें कोई भी झोल ना आए। और साइड में मैंने यहाँ पे वायर के लिए एक कट लगा दिया है, और इसको मैं छोटी सी पट्टी लगा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अब बचे हुए कपड़े में से मैं 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट लूँगी, लंबी लंबी स्टेप्स काट लूँगी, और फिर उनको फ्रिल बना करके मशीन के कवर के नीचे की साइड में लगा दूँगी, जिससे कवर अच्छा दिखाई देगा। इस तरीके से हमारा ये कवर बनकर तैयार हो गया है। मुझे वाइट कलर का कवर चाहिए था, मैंने वाइट बनाया है। आप किसी भी कपड़े का, पुराने कपड़े का भी कवर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।